हम लोग चैप्टर का नाम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, फिलहाल समझेंगे अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बता रखा था कि एक है ना वर्ड आया था जिसका मैंने बात करा था कि वो रिलेटेड है क्लास टेंथ से, है ना। क्लास टेंथ में हमने बताया था आप लोगों को कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट जो होता है अगर इमेजिनरी आ रहा हो, यानी वो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी रूट का, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट अगर नेगेटिव यानी रूट जो है इमेजिनरी आ जाए, तो हमने बताया था कि उसके बारे में डी बताता है, डी डी अगर लेस देन जीरो हुआ, डी अगर पॉजिटिव हुआ या डी इक्वल टू जीरो हुआ, ठीक है। तो ये सब बातें आपने टेंथ क्लास में पढ़ रखा था। तो ये डी क्या है सर, किसी भी क्वाड्रेटिक को इससे रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर डी क्या है, डी यहाँ पे बताता है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट का क्या मतलब है कि रूट रियल है, इमेजिनरी है, है ना, या इक्वल है। तो डी किसी का भी लेस देन जीरो होता है, तो पहले तो मैं बेसिक सी बात बता दूं कि डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर ऑफ माइनस फोर ए सी। अगर मैंने ये लिख दिया है तो इसके कंडीशन से तीन कंडीशन निकल के आते हैं, या तो हो सकता है लेस देन जीरो आ जाए, या तो हो सकता है इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, और लास्ट में क्या हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए डी लेस देन जीरो है तो रूट्स यहाँ पे कैसा आ गया, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, ये बता दिया था। और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल, है ना, रूट्स आर रियल। अगर ये रियल तो है, साथ साथ में ये भी बोला था रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या था, डी इक्वल टू जीरो, रूट्स तो रियल होंगे ही होंगे, रूट्स आर रियल, और साथ साथ में ये बताया था कि ऑल्सो एंड इक्वल, एंड इक्वल रियल है और साथ में इक्वल है। तो ये तीन चीजें हैं, एक दो तीन। तो हम लोगों ने क्या करा था, टेंथ क्लास में आपको बेसिक बेसिक और साथ में ज्यादातर ये पढ़ाया जाता है, फाइंड द रूट, रूट निकालो, डी पॉजिटिव है या इक्वल टू है तो कैसे रूट्स होंगे, उसके नेचर बताइए, बिहेवियर बताएं रूट्स का। लेकिन आपको टेंथ क्लास में ये थोड़ा सा बता के छोड़ दिया जाता है, बस इसलिए बताया जाता है कि आपको बता देना है कि रूट्स रियल है या इमेजिनरी। तो जहां पे ये टॉपिक खत्म होता है क्लास टेंथ में, वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हमने एंट्री करा था तो मैंने आपको बता दिया था किसी भी क्वांटिटी का रूट अगर इमेजिनरी आ रहा हो, यानी उसका डी लेस देन जीरो है, तो वहां से रूट इमेजिनरी आया और इमेजिनरी रूट को दिखाया कैसे गया वो समझना। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि हमने एक वर्ड पढ़ा था आयोटा, है ना, आयोटा। आयोटा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, भाई समझना अच्छे से, आयोटा को हम लोग आई से बोलते हैं, और आई क्या है यहाँ पे, आई एक इमेजिनरी नंबर है, ना, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो हमने ये बता दिया था कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है, आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ माइनस, ये मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। तो आयोटा का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर है सर, ये रियल नंबर नहीं है, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि आयोटा इज, है ना, इमेजिनरी नंबर, नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सर आयोटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस। पिछले क्लास में ये भी बताया था बेसिक बेसिक बातें कि अगर मैं बात कर दूं कि अंडर रूट ऑफ माइनस फोर का आंसर क्या आएगा, तो जो पढ़ रखे थे कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 4i, 4i, 2i, एक बार फिर से सोचो, 2i, 2i, बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने बोला 2i, बहुत ही अच्छा। तो मैंने आपको सिखाया था कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सुनना अच्छे से, मैंने बोला क्या कि माइनस वन जो लिखा हुआ है ना, फिर से एक बार बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो एक बार फिर से अच्छे से सीख लें, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं मचानी, क्या है ना, मचाना है, आराम से सीखना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू फोर, दिस इज करेक्ट। जैसे ही लिखा इसको मैंने क्या करा कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन को अलग कर दिया और अंडर रूट ऑफ फोर को अलग कर दिया, तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो है अपने बड़े प्यार से इसका आंसर आ जाएगा आयोटा, जो मैंने यहाँ ऊपर में लिख रखा है, ठीक है। और ये जो रूट फोर है स्क्वायर हटेगा, इसका क्या आ जाएगा भाई, टू, तो आंसर कितना आ गया, टू आयोटा। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है वो समझ लो, डायरेक्ट मैंने सिखा रखा था कि कभी भी इस तरह से अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी फंस जाए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव फंस जाए, तो इस माइनस के बदले में आपको आयोटा देना है, ठीक है। और बचा चार, आप देखें कि चार किसका स्क्वायर रूट आ गया, परफेक्ट स्क्वायर है, तो चार परफेक्ट स्क्वायर दो का होता है, ठीक है, तो वो आंसर आ गया। तो जो नए बच्चे हैं उनको एक लिए बस थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, पुराने बच्चे भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कोई मेरे को जल्दी बता दे भाई, 169 का अंडर रूट कितना आएगा माइनस में, 39 कितना आएगा, 39, बहुत ही बढ़िया। माइनस के बदले में बच्चों ने लगा दिया आयोटा, और 169 का अंडर रूट कितना होता भाई, इनटू में 13 और 13 आई, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा था पिछले क्लास में। चलो भाई अब इसके आगे जो बात करते हैं उसको सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आयोटा का छोटा सा कहानी था। अच्छा, इसके बाद जो कहानी दूसरा था ये भी बता दो थोड़ा सा, मैं रिवाइज कराते चल रहा हूँ, कई बच्चे बोर हो रहे होंगे सर ये सब तो पढ़ लिया, आगे बताओ, नहीं थोड़ा सा पेशेंस रखें और चीजों को वापस से रिवाइज कर लें, ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला क्या है, मैंने ये सीखा था कि आयोटा जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है। आज के बाद आपको याद रखना है कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये मैंने पहले लिखवा रखा है। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर वन निकल के आता है कि सिर्फ आयोटा के पावर अगर वन रखू तो क्या मिलेगा, आयोटा ही मिलेगा। पॉइंट नंबर टू बोलता हूँ, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आप देखेंगे अच्छे से, इसका स्क्वायर अगर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर आएगा, इसका ढक्कन उड़ जाएगा, बचेगा कितना, माइनस वन। ठीक है, इधर साइड में दिखा देता हूँ आपको, जैसे आयोटा का वैल्यू आपने माइनस वन लिखा है यहाँ पे अंडर रूट में, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो इधर आयोटा स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, माइनस वन। सर आप बोल रहे हो कि सर माइनस वन का स्क्वायर नहीं, माइनस वन का स्क्वायर नहीं बोलो, अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, वो माइनस वन बाहर निकल के आएगा। अच्छा, अब इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड पे आता हूँ, इसको थर्ड में ऐसे लिख लेता हूँ आयोटा क्यूब, ठीक है, तो आयोटा क्यूब क्या लिखना था, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा, ठीक है, किसी को पता चला बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, दो और एक तीन, तो कितना मिलेगा सर आयोटा स्क्वायर, तो अभी भी पड़ा माइनस वन, या आ गया माइनस वन इंटू में आयोटा, भवार्थ कितना आएगा भाई साहब, माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर चार पे आता हूँ, पॉइंट नंबर चार क्या कहता है, आयोटा के पावर फोर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, भवार्थ माइनस वन इंटू माइनस वन, टोटल कितना आ गया वन, इसका माइनस वन और इसका माइनस वन, दोनों मिलाकर के वन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि सर ये सब चीजें आती हैं, तो मैंने पिछले क्लास में इसके, है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस भी करा था, मैंने ये सिखाया था कि आज के बाद आपको ये याद रखना है कि आयोटा का पावर कितना भी बढ़ा जाए, आपको चार का टेबल पढ़ना है, अगर चार का टेबल पढ़ते समय वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो आंसर वन आएगा, और अगर मान लीजिए कि सर चार का टेबल पढ़ा और कटने के बाद रिमाइंडर वन बच जाए, यानी एक बच जाए, तो आयोटा का पावर वन कितना आएगा, आयोटा आएगा, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि सर रिमाइंडर टू बचा तो माइनस वन लिख देंगे, रिमाइंडर तीन बचा तो माइनस आयोटा, और रिमाइंडर नहीं बचा तो यानी जीरो, यानी पूरा कट गया, आंसर कितना आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये बड़े बता रखा था कि आयोटा के पावर में छोटा सा क्वेश्चन था 128, इसका आंसर लेना अपने को, तो मैंने क्या सिखाया था कि सर चार से डिवाइड लगाओ, तो ये बारह देखो चार से पूरा कट जा रहा है, चार से पूरा कटेगा बारह, कैंसिल आउट हो गया, क्या ये आठ भी कट जाएगा, हाँ सर पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर जीरो बच रहा, इसका आंसर क्या लिखूंगा अपन, होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ना चार का टेबल अगर मैं इस पे पढ़ दूं तो चार का टेबल पढ़ने पे ये रिमाइंडर कितना देगा, जीरो, यानी आंसर कितना है वन, जो पूरा कट जाए उसका आंसर वन लिखेंगे, अगर मान लीजिए कटने के बाद रिमाइंडर वन बचेगा तो उसका आयोटा लिखेंगे, दो बचेगा तो माइनस वन और तीन बचेगा तो माइनस वन, ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा पिछले क्लास। तो कितने बता सकता है आयोटा के पावर में 156, नहीं 157 ले लेता हूँ, कौन बताएगा इसका आंसर, जरा जल्दी से, ये सब पढ़ा रखा है, मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, आयोटा पक्का, चार से डिवाइड लगाते देखना अच्छे से, चार से डिवाइड लगाया तो फोर थ्री या ट्वेल्व, यहाँ बचा कितना बचा तीन, और ये बचा सैंतीस, अगर मैं सैंतीस को चार से डिवाइड लगा दूं तो फोर नाइन या 36 रिमाइंडर बचेगा वन, तो आंसर कितना आ गया, आयोटा, मैंने बोला रिमाइंडर वन बचेगा तो आयोटा लिखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, चार का भाग लगाओ जो बचा उसी से आंसर लिखो, पूरा कट गया तो आंसर वन, एक बचा तो आयोटा, दो बचा तो माइनस वन, तीन बचा तो माइनस आयोटा, ठीक है, चलिए तो ये मैंने पढ़ा रखा था, आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे थे, ठीक है भाई, तो आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं, यानी क्या रियल में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को करने से पहले, अच्छा ये किसी को याद है, मैंने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, किसी को याद है कि है ना, सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर फोर, कोई बताएगा इसका आंसर, जीरो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैंने ये पढ़ा रखा पिछले क्लास में कि फोर कंजुगेटिव पावर ऑफ सम ऑफ आयोटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, चार लगातार पावर ऑफ आयोटा हमेशा जीरो, चार लगातार मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आयोटा के पावर वन टू थ्री फोर, आंसर जीरो, लगातार होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दू ना कि आयोटा के पावर, आयोटा के पावर टू लेकर के डॉट डॉट, आयोटा के पावर 13, कौन बताएगा इसका आंसर, बताएगा कोई, मैं बता दो सुनना, वन टू थ्री फोर, चार तक तो उड़ गया, कितने बता सकते हैं, चार तक तो गया काम से, जीरो आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, चार के बाद फाइव सिक्स सेवन एट, वो भी उड़ गया, जीरो, नहीं समझ नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझो मेरी बात, आयोटा के पावर वन से लेकर 13 तक है तो कितने लगातार चार से टर्म मिलेंगे, बताओ, 12 टर्म मिलेंगे, 12, कैसे, चार तक तो ये गया, फिर कितना मिला, 8, वो भी गया, फिर कितना मिला, 12, वो भी खत्म, बचा कितना, लास्ट वाला टर्म बचेगा 13, किसी को समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया समझ में, ठीक है, और आयोटा के पावर 13 क्या होगा, बताएगा चार का डिवाइड लगा करके, माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन या कुछ और, आयोटा बचेगा ना, चार से डिवाइड लगाओगे तो क्या आयोटा बचेगा, आयोटा के पावर 13 को yes, अगर मैं फोर से डिवाइड, तो रिमाइंडर वन बचेगा, तो रिमाइंडर वन बचने पे कितना बचेगा, आयोटा, आयोटा, ठीक है,
चलो बहुत ही बढ़िया, तो आपको ये समझ में आ गया, बस चार कॉन्जुगेटिव पावर का सम जहां दिखे आंसर जीरो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बताता हूँ थोड़ा सा देर के लिए, समझना अच्छे से, समेशन भी ले रहा हूँ। देखो इंपॉर्टेंट है सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन, समझना अच्छे से चीजों को। ये सिग्मा नोटेशन जो वर्ड लिखा मैंने, ये बेसिकली आपके एपीजीपी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज जिसको नाम है। लेकिन बेसिकली क्या है कि उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं, यानी उसका फॉर्मेट को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या होता है सिग्मा नोटेशन, वो समझते हैं। पहला बात तो पॉइंट नंबर वन क्या, रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखता है, रिप्रेजेंटेड बाय, देखो भाई साहब, है ना, सिग्मा नोटेशन का सेल्फी, फोटो खींचा है ना, फोटो बाहर आ गया ऐसा, ये साइन कहीं भी दिख जाए ये आपका सिग्मा है, याद रखना सिग्मा, सिग्मा है भाई साहब सिग्मा। अच्छा सिग्मा का क्या मतलब होता है भाई, टर्म्स को जोड़ना है, टर्म्स को जोड़ना है, किसके टर्म्स को जोड़ना है, वो जो दे रखा होगा, ठीक है। पहला सुनना, पॉइंट नंबर टू कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर टू क्या है, सुनना अच्छे से। ये सिग्मा नोटेशन बेसिकली यूज क्या होता है, वेरिएबल्स पे, वेरिएबल कौन है, यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, चीजों को समझना, चीजों को जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लेना कि यहाँ पे एन इक्वल टू वन लिखा और लेकर के मैं पांच तक गया, और यहाँ पे लिखा हुआ एन का स्क्वायर, लिखा है स्क्वायर, करते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, वो समझना चाहिए। बेसिकली सिग्मा नोटेशन यूज किया जाता है टर्म्स को, है ना, टर्म्स को जोड़ने के लिए, यानी क्या, जोड़ जोड़ करके लिखो, या फिर चीजों को जो जो जोड़ा हुआ है उसको समेट करके एक में लिखना, उसको सिग्मा नोटेशन कहते हैं। मतलब मान लीजिए ना कि बहुत सारा टर्म्स लिखा हुआ है, बहुत सारा टर्म्स को लिखा हुआ है, यानी जुड़ा हुआ है, एडिशन में लिखा हुआ, तो वो सारे टर्म्स को एक में लिख देना, उसी को हम लोग सिग्मा नोटेशन कहेंगे, यानी सिग्मा में लिखा गया, तो मैंने लिखा टर्म्स को जोड़ना, टर्म्स को जोड़ दो, या मान लो समेट के एक जगह पे लिखा हुआ है कलेक्ट करके, या फिर इसको एक्सपैंड कर देना, जिसको मैंने बोला कि जोड़ करके लिख दो, ठीक है। चलो अब ध्यान सुना, है ना, राइटिंग द टर्म्स यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, राइटिंग द टर्म्स, राइटिंग द टर्म्स, टर्म्स यूजिंग एडिशन, यूजिंग एडिशन, ठीक है, समझो अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर, अब कैसे चलूंगा सुनना, आराम आराम से देखना, पहले एक बार सीख लो उसके बाद दूसरा आंसर आपसे बताओगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, सिग्मा नोटेशन वहां पे वर्क करता है वेरिएबल में, ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे चलूंगा सुनना, एन का वैल्यू वन से लेकर के पांच तक डांस कर रहा है, तो आपको एन का वैल्यू पहले वन रखना है, फिर जैसे ही वन रखा बीच में साइन आ जाएगा प्लस, इसका मतलब ही लिखा है यूजिंग एडिशन, तो मैं पहले लिखूंगा वन, तो वन नहीं लिखूंगा, वन का स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि एन इक्वल टू वन है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसी में रखूंगा, ये नहीं कहीं और रखूंगा, ठीक है। दूसरा बीच में क्या आएगा सर, प्लस, कोई बताएगा अगला क्या टर्म क्या आएगा, दो, क्योंकि सर वन से लेकर के पांच तक चलना है, तो वन के बाद दो आता है, तो दो का यहाँ पे रखा, तो दो का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है, अच्छा फिर क्या रखूंगा, प्लस, फिर क्या, तीन का स्क्वायर, फिर क्या, चार का स्क्वायर, फिर क्या, पांच का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। पहले चेक करो सही लिखा है गलत लिखा हुआ है, रिपीट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एन वेयर एन इज वेरिएबल, कहां तक दौड़े, एन इक्वल टू वन से लेकर पांच तक, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं जल्दी से बताना, थर्ड पॉइंट, समेशन में वन, एन इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, और यहाँ एन लिखा है, और बताया कैसे लिखूं, एन इक्वल टू वन आएगा, फिर कितना, तो फिर कितना, कंटिन्यूएशन टू एन, डॉट 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 एन, ठीक है। अब किसी को याद है, अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा माइट भी, कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ, एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, परेशान बिल्कुल मत होना, ये कैसे आ गया, क्यों आ गया, सब एपीजीपी में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, वन से लेकर के एन तक का फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर फोर पे आता हूं मैं, पॉइंट नंबर फोर क्या है, कितने लोग बता सकते हैं, यहाँ पे जो लिख रहा हूँ अगला टर्म बताएंगे, कोई देखना अच्छे से, सिग्मा नोटेशन में समझना अच्छे से, अगर मान लीजिए ये चीज लिखा हुआ है तो मैं अगला बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन, ठीक है, प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे ए इंटू में एन, देखो अच्छे से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए इंटू मैन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ पे लिखा एन इक्वल टू वन से लेकर के एन तक चलना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सुनना, कभी भी सिग्मा नोटेशन के अंदर में एडिशन आ जाए तो ये सिग्मा नोटेशन दोनों जगह एंट्री करेगा, कैसे एंट्री करेगा देखना, सिग्मा नोटेशन में आ गया एन इक्वल टू वन से लेकर के एन तक और ये एन आ गया, फिर अलग किया प्लस, फिर समेशन में क्या लिखूंगा, एन इक्वल टू वन से लेकर के एन तक और यहाँ आ गया एन आ गया, यानी क्या सर, है ना, यहाँ प्लस हो या माइनस हो दोनों में वर्क करता है, प्लस हो या माइनस हो, आपके टर्म्स अगर सिग्मा नोटेशन में जुड़ रहे हैं तो सिग्मा नोटेशन वहां वहां एंट्री करेगा, जैसे एंट्री कराया मैंने। अब बात ये उठता है कि सर एक बात बताओ, ये एन कहाँ लगेगा, यानी एन किस पे वैरी कराएगा, या फिर एन का वैल्यू कहाँ पुट करना है, देखो एन का वैल्यू यहाँ पुट करना है, जहां जहां एन दिखे वहां पुट करेगा। सर एक बात बताओ, एन इक्वल टू तो दिख रहा सर यहाँ पुट करना, लेकिन ये ए क्या कर रहा है आपको, मैंने बोला वो कॉन्स्टेंट है, तो क्या वहां भी पुट करेंगे, नहीं। तो सर अगर मान लीजिए सिग्मा नोटेशन में कोई कॉन्स्टेंट आ जाए तो उसको बाहर करते हैं, ठीक है, फिलहाल पहले ये लिख लो फिर बात करते हैं।
ठीक है, आइए बात करते हैं। आइए सीखेगा चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो अभी भी सिखाया कि n इक्वल टू मान लो कि 1 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है n तक और यहाँ पे दिया kn, तो पर बताएगा यहाँ पे वैरी किससे करेगा, यानी वैल्यू का वैल्यू पुट होगा सिर्फ और सिर्फ n पे ना कि k पे। तो k क्या कर रहा है सर, k को बाहर बुलाओ, समेशन लगाओ, n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डांस कराओ, इज इक्वल टू इंटू में कितना n, कोई कॉन्स्टेंट हो उसको बाहर करेंगे, जिसमें पुट करना उसको अंदर रखेंगे और जिसमें पुट नहीं करना है उसको बाहर करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 5-6 पे आता हूं, देखना अच्छे से। एक छोटा सा पॉइंट है, समेशन में लिखा, समेशन में क्या लिख रहा हूं, एन इक्वल टू 1 से लेकर के यहाँ पे एन तक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा वैसे समझना अच्छे से, मैंने क्या लिखा एन और यहाँ पे प्लस में लिख दिया ए एन। तो कभी कभी क्या होता है स्मार्ट वर्क भी करना होता है, ये अभी कुछ देर पहले पढ़ाया है। तो स्मार्ट वर्क क्या करना है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखना अच्छे से, मैंने क्या लिखा समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक और कॉमन ले लूंगा सर, देखो अच्छे से कॉमन क्या रहा है, एन कॉमन लिया अंदर आ गया ए प्लस 1। अब एक बार बताना कि सर ये समेशन जो लिखा हुआ है n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, तो कितने बता सकते हैं कि कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, n कांस्टेंट है या a प्लस 1, सर a प्लस 1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे a प्लस 1 को बाहर कर दिया और अंदर क्या बच गया n। अब ये सॉल्व कर लेंगे, होप आपको छोटी छोटी बातें समझ में आया। ठीक है, पहले इसको लिखें, फिर आप एक क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से, फिर बात खत्म करेंगे, बेसिक बेसिक बातें इस पे। ठीक है, चलो अब कभी भी ना सिग्मा नोटेशन को मल्टीप्लाई नहीं करते, सिग्मा नोटेशन को कभी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, कहाँ कहाँ वर्क करता है, कहाँ कहाँ वर्क नहीं करता वो बता देता। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात कर देता हूँ, है ना, कई बार ऐसे मत कर देना कि समेशन ऑफ लिखा यहाँ पे एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक और यहाँ पे लिखा हुआ एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना एन क्यूब। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि सर मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, एन है ना ऐसे लिख देते, चलो ये एन है और यहाँ पे एन प्लस वन है, ऐसे करूँ क्या, मैंने बोला क्या समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, यहाँ एन लिखो सर इंटू में, फिर लिख दो समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक यहाँ पे एन प्लस 1, क्या चलेगा क्या, नहीं। तो ये गड़बड़ है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एडिशन में होता है, क्योंकि इसके टर्म्स का सम, इसके टर्म्स का सम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और जो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 अगला क्या लिखना है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक और एन डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख दो समेशन ऑफ एन इक्वल टू ऐसे, है ना, ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा हुआ एन प्लस 1। तो कभी भी गड़बड़ से ऐसा मत कर देना कि सर इसको ऐसे लिख देंगे, समेशन इक्वल टू एन से लेकर के एन और यहाँ पे लिखा एन डिवाइड बाय, समेशन में एन इक्वल टू 1 से लेकर के एन और यहाँ पे एन प्लस 1, ऐसा मत करना, ऐसा चमत्कार मत करना। डिवाइड जो दे रखा है ये एक टर्म है, एक टर्म डिवाइड करके नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, क्योंकि आंसर गड़बड़ आ जाएगा, कॉपी करें। ये छोटी छोटी बातें हैं, यानी कॉन्स्टेंट को बाहर लेना है, ठीक है, वेरिएबल पे पुट करना है, वेरिएबल नहीं होगा तो उस कॉन्स्टेंट को बाहर करें, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी इसके बाद अलग अलग पार्ट में चला जाएगा, लेकिन मान लीजिए मल्टीप्लाइड है तो हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, डिवाइड में है तो डिवाइड में टर्म्स को सिग्मा में एंट्री नहीं करा सकते, ठीक है, यानी सिग्मा को एंट्री नहीं करा सकते। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इस पे सर इतना है ना, इतना क्यों पढ़ाया गया, बस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करने के लिए, ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई रहे। चलिए क्या है समझना अच्छे से, क्वेश्चन क्या है समझना, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, पहले बेसिक सा क्वेश्चन, एन इक्वल टू 1 से लेकर के यहाँ पे दे दिया आपके सामने, मान लो यहाँ पे दे दिया 6, हाँ 6 नहीं देता 5 दे देता, चलो, और यहाँ दे दिया आइटा के पावर एन, को बताएगा कैसे लिखो, लिखना सिखाओ पहले मेरे को, क्या यहाँ पे आइटा के पावर 1 आएगा पहले 1, फिर प्लस आइटा के पावर में 2, फिर आइटा के पावर में 3, फिर आइटा के पावर में 4, फिर आइटा के पावर में 5, पहले चेक करो मैंने सही लिखा गलत है, यस सर, एक टर्म को तोड़ा, एक एक टर्म को अलग अलग किया, पहले 1 रखा 2, सर ये 1 2 कैसे और बीच में एडिशन क्यों लगा दिया, मैंने बोला सिग्मा का काम ही होता है बीच में टर्म्स के बीच का एडिशन लगाना, आप इसको समेट यानी एक्युमुलेट करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको एक्सपैंड करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कितने को पता चला यहां से लेकर के यहां तक उनकी आंखें फड़फड़ा रही है इसका आंसर 0। ठीक है, और यहाँ आइटा के पावर 5, आइटा के पावर 5 कितना जल्दी बताओ, डिवाइड करो 4 से 1 आयोटा, आयोटा बहुत ही बढ़िया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, पहला क्वेश्चन मैंने कराया, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, भरोसा करूंगा कि ये आंसर बनेगा। r इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक और यहाँ दिया आइटा के पावर r प्लस ऑफ, है ना, इनटू में प्लस ऑफ आइटा के पावर में r प्लस 1, चलो जल्दी बताओ r वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 13 तक और ऐसा क्वेश्चन दिया आइटा के पावर r प्लस आइटा के पावर r प्लस 1, सॉल्व करें।
5 6 चलो बना किसी से। चलिए देखते हैं क्या करा आपने, सीखते हैं। चलो पहले इसमें देखना कॉन्सेप्ट सीखो, अगर आ गया है आंसर आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो हम लोग सीख लेंगे। चीजों को समझना, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और यहाँ पे लिखा आइटा के पावर में आर प्लस ऑफ आइटा के पावर में आर प्लस 1। बहुत ही आराम से सीखना, कहीं गड़बड़ हो पूछ लेना। चलो ध्यान दो, मैंने क्या करा बोर्ड पे देखा कि सर ये लिखा हुआ है समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 13, पहले तो ये चेक मारा कि सर वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल आर है, यानी आर के मुंडी पे 1 2 3 बैठेगा, कोई और नहीं बैठेगा। तो मैंने क्या करा आइटा के पावर आर लिखा इसको एज इट इज, और इसको देखना अच्छे से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आइटा के पावर आर इंटू में आइटा। हाँ बिल्कुल सही है, ए के पावर में कितना लिखूं, अगर मैं बोल दूं कि सर 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए के पावर 2 इंटू ए के पावर 1, भाई मैंने अलग अलग कर लिया। अब मैंने क्या देखा ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन आने को तैयार है, मैंने कॉमन ले लिया भाई, तो सुनना अच्छे से फिर से। समेशन लिखा आर इक्वल टू 1 से लेकर 13 और यहाँ आइटा के पावर आर कॉमन, अंदर बच गया कितना 1 प्लस आयोटा। क्या ये बात सही है या गलत, हाँ ना बताएं, सही है यहाँ तक? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर ये वाला टर्म्स देखेंगे ध्यान से कि इन दोनों टर्म्स में आर है ही नहीं। जिस दिन मैंने देखा आर अगर नहीं है तो सर आर तो वेरिएबल है और डांस 1 से लेकर 13 तक कर रहा है, तो आर कहाँ बैठेगा सर, जहां पे आर दिखेगा। तो मैंने देखा आर यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसके अंदर है, नहीं सर। तो ये जिसके अंदर नहीं है तो उसको मैं कॉन्स्टेंट बोलूंगा, उसको बाहर निकालूंगा। तो जैसे इसको थप्पड़ मार के बाहर निकाला तो 1 प्लस आइटा दिखा और अंदर में क्या चमका, हाँ आर इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और ये आइटा के पावर आर। और कितने लोग जानते हैं कि सर इसका समेशन ओपन करना आता है अपने को, अभी कितना सीखा सर 1 प्लस है ना 1 कह रहा सॉरी कितना लिखूं आइटा के पावर 1 आइटा के पावर 2 आइटा के पावर 3 से लेकर डॉट डॉट आइटा के पावर में 13। कोई बताएगा आंसर, आयोटा आयोटा या आइटा के पावर 13। लास्ट में चलो 1 प्लस आइटा, और आपको पता होना चाहिए कि 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आइटा का सम 0, तो पता है 4 4 4 4 3 जा 12 तक उड़ गया, यानी यहां तक सब कुछ सन्नाटे में, बचा क्या 13, तो आइटा के पावर 13। सर आइटा के पावर 13 क्या होता है, अभी तो सीखा था, इसका आंसर आयोटा। मल्टीप्लाई कर दू क्या, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर दिखा, और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, -1। आंसर आ गया आयोटा, ठीक है, नहीं नहीं आयोटा क्यों, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, इसका आंसर क्या गया 1 आयोटा -1। कॉपी करें, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, जो बेसिक बेसिक थॉट और बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो आराम से पूछें, लेकिन अगला जो चैप्टर है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। आइए एक एक चीज को समझते हैं, अब यहां पे जो लिख रहा हूं सुनना अच्छे से। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे में वो आयोटा के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अब उसका रिप्रेजेंटेशन सुनना अच्छे से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दिखता कैसा सर वो बताइए, है ना, दिखता कैसा वो समझता है। आयोटा तो इमेजिनरी नंबर था सर, वो भी एक नंबर है लेकिन कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है वो समझना अच्छे से, मैं क्या लिख रहा हूँ सुनना। जैसे मैंने करा लेट कर लिया, ध्यान से देखना अच्छे से, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई आर एनी टू रियल नंबर, आर एनी टू रियल नंबर, ठीक है, नंबर सच दैट किस तरह से, इफ है ना, सच दैट इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लिख दू मैं, सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई नंबर है एक्स एंड वाई जो दोनों रियल है, इस प्रकार से है ना, सच दैट इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, है ना, यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रियल नंबर है ना, विच इज रिटेन, है ना, चलो यहीं से लिख देता हूँ ना, नंबर इफ इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ किस तरह का फॉर्म है सर, इन द फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, रिपीट करो सुनना अच्छे से, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है ना, विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या मतलब है सर, समझना अच्छे से, विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, सुनो अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास भविष्य में दो नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर आपके सामने पड़ा हुआ है, और अगर किसी ने इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो आप समझ जाना कि ये दोनों रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ है, और ऐसा नंबर अगर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो आयोटा है ये क्या है, पहले तो बात यहाँ पे लिख दूं कि सर यहाँ पे जो रिमार्केबल पॉइंट है वो क्या क्या है, सर आयोटा क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ये आयोटा है ना, आयोटा जो है यहाँ पे आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, मैं बोल दूंगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी नंबर,
ठीक है, पहला पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट एक्स क्या है, एक्स कॉमा वाई दोनों क्या है सर, है ना, है ना, एक्स और वाई जो दोनों है रियल नंबर है, दोनों के दोनों रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है भाई साहब, दोनों रियल नंबर है। तो वापस से रिपीट करता हूं, कोई भी दो नंबर हो, रियल नंबर हो दोनों नंबर, और अगर उसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो हम कह देंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले आप थॉट को समझिए कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखता है, और ये कौन है सर, ये जेड कौन है, ये जेड कौन है, जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा दिखाया जा रहा है। जेड एक नोटेशन है, नोटेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उस लेटर से उसको दिखाया जा रहा है। कल के डेट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, हाँ इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, कह सकते हैं इसको। कल के डेट में ऐसे भी लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बिल्कुल है, नोटेशन में वो चेंज करे तो आप डरना नहीं है, लेकिन आपको ये फॉर्म दिख जाना एक्स प्लस आईटा वाई, बोल देना सीधा कि सर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलिए तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का थॉट समझ लीजिए कि सर एक्स प्लस आईटा वाई एक टर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब इसके बाद में मैंने क्या बताया कि आयोटा एक नंबर है जो कंट्रोल ऑफ माइनस कहलाता है, ठीक है। दूसरा मैंने एक्स और वाई के बारे में क्या कहा, वो दोनों रियल नंबर है, पॉजिटिव के बारे में नहीं बोला, वो नेगेटिव के बारे में, मैंने बोला सिर्फ रियल नंबर है। अब रियल नंबर में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पहले कॉपी कर इसको, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, तो कितने बच्चे इसको समझ पाए हैं, मैं तो पहले जानना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो देख भी पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, या कहीं गुम हो जाते हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। चलो पहले देखते हैं, देखते हैं कौन बताएगा देखना। एग्जाम्पल जेड इक्वल टू तीन प्लस आईटा वाई, है ना, जेड इक्वल टू टू आइटा, जेड इक्वल टू थ्री आइटा, नहीं थ्री आइटा नहीं देता, वन माइनस आइटा, जेड इक्वल टू फोर, कौन बताए क्या ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, बताओ है या नहीं। सर है, क्या सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, नो सर नहीं है सर, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, अच्छा ठीक है, लास्ट वन है। चलिए देखते हैं, बहुत बच्चों ने बोला सर, अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस सर, हाँ है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस सर, अच्छा ये भी है, अगर नहीं किसी को दिखा, मैं दिखा सकता हूँ, जीरो तो जीरो भी हो सकता है ना, जीरो प्लस टू आई, ये जीरो माइनस टू आई, बिल्कुल, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर, हाँ बिल्कुल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा वन माइनस आईटा, हाँ स्टिल इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, फोर प्लस जीरो इंटू आईटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही है क्या, यानी चारों नंबर कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक सवाल उठता है मन में कि अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको दिखेगा फोर, ओनली फोर दिख रहा है, फोर, तो सर फोर तो रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल रियल नंबर है। तो आज से आपको ध्यान रखना कि जितने भी रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में आते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, सुनना अच्छे से, कि मैं सेट और सबसेट के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको, है ना, सेट सबसेट एक वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए ना कि कोई किसी के अंदर बैठा हो, रिपीट कर रहा हूँ सुनना, ये ए है और ये बी है, तो आप इस सर्कल को देख के बता सकते हैं कि कौन किसके अंदर बैठा है, बी ए के अंदर बैठा है, बी ए के अंदर या ए बी के अंदर है, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी के अंदर, सॉरी, बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको लिखा ऐसे जाता है ए सी बी, ये सी नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट, यानी सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो जिसके अंदर पाया जाएगा वो सबसेट कहलाएगा जिसके अंदर पाया जा रहा है, यानी क्या कि सर ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ बी, अच्छा सिंपल सी बात कहता हूँ सुनना, लॉजिक बता रहा हूँ आपको, फील कराता हूँ सुनना, आप जिस कमरे में बैठे हैं तो आप उस कमरे के लिए सबसेट है या सेट है, ये बताओ, सबसेट है, सबसेट है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों है, कि यानी क्या आप जिस कमरे में बैठे हैं कि है ना, आप अपने कमरे के लिए सबसेट हुए और आपका कमरा सेट हो गया। अच्छा एक छोटा सा और बात कहता हूँ कि आपका जो घर है और वो आपका जो रूम है, क्या आपका रूम उस घर का सबसेट हुआ, हाँ रूम सबसेट हुआ घर का, हाँ ट्रू, ऑब्वियस बात है, वही कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा और चलो बात करते हैं ना, कितने बता सकते हैं कि धनबाद इज द सबसेट ऑफ झारखंड, सही है, हाँ सही है, झारखंड में पाया जाता है धनबाद, उसके अंदर है, झारखंड इज द सबसेट ऑफ इंडिया, True. सही है, इंडिया इज द सबसेट ऑफ दिस अर्थ, सही है, है ना, अर्थ इज अ सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्स, ट्रू,
सही है। इसका मतलब ये हुआ, सुनना अच्छे से, यूनिवर्स में आप चीजों को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा, इतने डिस्टेंस पे वो पाया जा रहा है, इतने डिस्टेंस पे वो स्टार है, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि सर इमेजिन करने के अलावा जो हम लोग का रियल अर्थ है वो हम लोग रियल नंबर कहला रहा, यानी क्या हम लोग जिस अर्थ पे रह रहे हैं वो रियल है, हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाहर बाहर क्या है, सारा इमेजिनरी है। इसका मतलब ये पता चला कि हम लोग जो अर्थ है वो रियल नंबर मान के चले और जो अर्थ के बाहर बाहर सराउंडिंग बैठा हुआ है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कि जितने रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट हैं। सही है, चलो उत्तर डेप्थ में नहीं जाते, बस छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दिया कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सबसेट हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 + 0 × i, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक रिमार्क में छोटा सा पॉइंट डाल देता हूँ, जब हम लोग सबसेट और सेट पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे अच्छे से डेप्थ में। इसके क्या लिख रहा हूँ, है ना, ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ, है ना, आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर CN, है ना, शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। पहले कॉपी करें इसको, ठीक है। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि कोई भी दो रियल नंबर है उसमें एक्स और वाई को दिखा दिया जाए, है ना, उसको ऐसे लिखा जाए आयटा के साथ में, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आइए दो बातें और करते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी आपको बताना है इसमें है क्या, कौन सी चीजें रियल कौन सी चीजें इमेजिनरी, ठीक है। आइए बात करते हैं, पॉइंट नंबर टू की बात कर रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर टू क्या है कि, है ना, जेड इक्वल टू जो लिखा हुआ है एक्स प्लस आयटा वाई, ठीक है, चीजों को समझना, जेड इक्वल टू एक्स वाई ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पॉइंट नंबर टू बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ आरई जेड, नोटेशन को समझना, नोटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशन है, मतलब उसको लिखा कैसा जा रहा है, उसको पढ़ा कैसे जाता है। जैसे आरई जेड का क्या मतलब होगा समझना, आरई जेड का मतलब हुआ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, सुनना, आरई जेड बोलो या रियल पार्ट ऑफ जेड बोलो, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब वो हुआ कि वो नंबर बताओ जो आयटा के साथ में मल्टीप्लाइड नहीं है। तो सर आयटा के साथ मल्टीप्लाइड तो ये है, तो जो नहीं है वो कौन है, वो तो x है, उसका आंसर क्या लिखेंगे, x, यानी रियल पार्ट ऑफ z का मतलब जिसमें आयोटा मल्टीप्लाइड नहीं है। पॉइंट नंबर टू की बात कर रहा हूं, थर्ड नंबर, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, आई एम z, इसको क्या कहेंगे, सॉरी रियल ऑफ z ही कह सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना, x, ठीक है। अब यहां पे लिख रहा हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब ये हो गया कि वो नंबर बताओ जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है विद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब क्या, कि वो प्लस में है या माइनस में है। तो आप देखेंगे फिलहाल के लिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, लेकिन आयोटा के मल्टीप्लाइड में कौन है, सर वो वाई है, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे, वाई। ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे विद कोफिशिएंट, विद साइन, चलो कोफिशिएंट भी बोलता, विद साइन, विद साइन, यहाँ भी विद साइन, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, तीनों चीजों में कहीं पर डाउट है आराम से पूछे कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा पॉइंट कि सर ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, सर ये कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी आपको विथ साइन बताना है। विथ साइन का मतलब जो भी यहाँ प्लस होगा प्लस लेके आना है, माइनस होगा तो माइनस लेके आना। अच्छा, कई बच्चे इसे कंफ्यूज रहते हैं कि आयटा को भी साथ में लेना है क्या सर इमेजिनरी पार्ट में, नहीं, वो पार्ट है उसका, मल्टीप्लाइड है, यानी इमेजिनरी पार्ट का मतलब हुआ कि आयटा को छोड़ के बात करें विथ साइन, यानी जो बचा हुआ है वही आंसर आएगा इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देता हूँ फटाफट करके, मेरे को बताना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है जेड इक्वल टू, सुनता हूँ और देखता हूँ कौन बताता है, साइन थीटा माइनस ऑफ आयटा कॉस थीटा, ठीक है। मेरे को आप बताएंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, रियल थीटा साइन, रियल साइन, रियल पार्ट साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट माइनस कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉस थीटा आ गया, क्या मैं सही कह रहा हूँ, सही है, यस सर। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, पहले इसको नोट करें आप, ठीक है, नोट करें, नोट करें फटाफट करके, मैं आपको 7-8 क्वेश्चन इधर बोर्ड पे चिपका देता हूँ, फटाफट करके आप उसको उखाड़ देना, कौन कौन सा आंसर आएगा बता देना आपको, जल्दी जल्दी जरा। इधर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, जल्दी से बोर्ड देखिएगा और आंसर बताना आपको। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा, आपको भर लेना, बोलना नहीं है, भरते चले जाना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं कि सर इसका आंसर क्या आएगा। जेड इक्वल टू 1, है ना, जेड इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 2, 1 माइनस रूट 2, और प्लस में दे रखा आयोटा, बोलना बिल्कुल नहीं है। जेड इक्वल टू माइनस का 3 माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1 ऑफ आयोटा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं इसी पे, जेड इक्वल टू दे दिया आपके सामने लॉग बेस 2, है ना, लॉग बेस ई 2 माइनस ऑफ रूट 3 आयोटा। चलिए बताइए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आराम से भर लो।
सर क्वेश्चन वन करके रिपीट कीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है बोर्ड में क्लियर। ये वाला z इक्वल टू 1 लिखा है, दिख रहा है? जेड इज इक्वल टू 1, हाँ बने। ओके, और ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन दिया ना, z इक्वल टू माइनस ऑफ आई टाइम टू रूट टू माइनस वन। सर फर्स्ट का होगा रियल पार्ट है जीरो, नहीं रियल पार्ट वन है, वन जीरो। बहुत ही बढ़िया, चलिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। इमेजिनरी पार्ट कितना गया? क्वेश्चन नंबर टू बोलिए अब। वन माइनस रूट टू प्लस ऑफ आयोटा, प्लस ऑफ आयोटा, ओके रियल पार्ट है वन प्लस टू जो रूट टू और आयोटा वन है, हाँ जो भी है, और आयोटा वन है वो